एमसीक्यू नंबर 14। एक्सटर्नल और इंटरनल सेल दी हुई है और आपने रिपोर्टेबल सेगमेंट बताने हैं 10% रेवेन्यू की बेस बना के, इसलिए मैं ये नहीं करवा रहा, ये खुद रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, आप तैयार हो गए थे सॉल्व करने के लिए। एमसीक्यू नंबर 13, पेज नंबर 460। विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड। कौन सी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन आपने डिस्क्लोज करनी है? रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल क्लाइंट, कंट्री ऑफ डोमिसाइल एंड एट्रीब्यूटेड टू ऑल फॉरेन कंट्रीज इन टोटल फ्रॉम विच एंटिटी डिराइव रेवेन्यू। सादा मतलब एक्सटर्नल रेवेन्यू पाकिस्तान का और बाहर का, नॉन करंट एसेट पाकिस्तान के और बाहर के, विच इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज। बोथ, ठीक है, गुड। पढ़ नहीं आएगा। Total amount of revenue that should be covered by reportable segment is at least ...75% of external। टेस्ट का नाम याद है हम क्या लिखते थे? 75% of external। External revenue that should be covered by reportable is at least, मुझे लग रहा था एक से एमसीक्यू पूरे नहीं हो रहे थे तो ठाक डाल रहे। परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ एसेट्स, वर्किंग वन। कितने कह रहे हैं मैं जा रहा हूं, बैठ जाए। एक दो समझाने वाले हैं, ये जरा ट्राई करें। According to IFRS, if a financial report contains both consolidated financial statements as well as parent separate financial statements, ये आज हमारी क्लास कौन सी थी? कंसोलिडेशन की लेक्चर नंबर, जिन्होंने लेक्चर 62 लिया उनको ये बात समझ आएगी। एक ऐसा सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है पीडीएफ की बड़ी सी फाइल, जिसमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी नजर आ रही है और सेपरेट भी नजर आ रही है। सेगमेंट इंफॉर्मेशन ऑनली कंसोलिडेटेड में शो करें, ऑनली सेपरेट में शो करें, बोथ में शो करें, दोनों में से जहां मर्जी शो कर दें। जल्दी जल्दी, ओनली इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। चलें पॉइंट 8 पढ़ें। भाईजान थोड़े से लेट हुए हैं, आधे एमसीक्यू हो गए हैं। अच्छा, आप एन ऑपरेटिंग सेगमेंट में एंगेज इन बिजनेस एक्टिविटीज विच आर येट टू अर्न रेवेन्यू। जिन्होंने कमा लिया या कमाएंगी। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टअप ऑपरेशंस, इट विल बी रिपोर्टेड एज ऑपरेटिंग सेगमेंट बिफोर अर्निंग रेवेन्यू। विल बी नहीं, विल बी, अच्छा एक मिनट, विल बी इसलिए नहीं क्योंकि 10% टेस्ट से भी तो गुजारना है ना। इट मे बी रिपोर्टेबल सेगमेंट बिफोर अर्निंग रेवेन्यू ड्यू टू 10% टेस्ट। अगर 10% टेस्ट में आ जाती है तो फिर बनाएंगे, बनाना जरूरी नहीं है कि स्टार्टअप ऑपरेशंस को रिपोर्टेबल बनाना जरूरी नहीं है। स्टार्टअप ऑपरेशंस को कब रिपोर्टेबल बनाना है? जब 10% टेस्ट पास करें। एसेट्स भी हो सकते हैं, रेवेन्यू तो बेचारा कमा नहीं रहा तो प्रॉफिट्स भी नहीं होंगे, बल्कि पीछे एसेट्स ही बच जाने हैं ऐसे। सही कह रहे हो। ओके, अ कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी दैट सेल्स प्राइमरीली टू अदर सेगमेंट्स। आगे पढ़ लें, बी क्विक। कोई खास जो स्टैंडर्ड मैंने पढ़ाया ना उसका नॉलेज यूज नहीं होना, थोड़ी सी अकल लगा लें, थोड़ी सी अकल लगा लें। स्टैंडर्ड जो मैंने पढ़ाया उसका नॉलेज नहीं यूज हो रहा है, ऐसे अजीब से एमसीक्यू बनाया उसने। अ कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी डेट सेल्स प्राइमरीली, और पेपर में कुछ तो लिख के आना है, कुछ तो लिखाइएगा ना। अ कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी डेट सेल्स प्राइमरीली और एक्सक्लूसिवली टू अदर ऑपरेटिंग सेगमेंट, यानी सिर्फ दूसरों को बेच रही है।
इट मस्ट बी क्लास एज एन ऑपरेटिंग सेगमेंट. नहीं 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 10% टेस्ट से गुजारो फिर ही पता चलेगा. इट मस्ट बी एक्सक्लूडेड. नहीं 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 एक्सक्लूड वाली बात नहीं. 10% टेस्ट से गुजारो. इट इज इंक्लूडेड एज एन ऑपरेटिंग सेगमेंट इफ एंटिटी को ऐसे उसको मैनेज कर रही है, या इट इज इंक्लूडेड एज एन ऑपरेटिंग सेगमेंट अगर मैनेजमेंट की ये ख्वाहिश है. यार ख्वाहिश को वैसे आई कैप ने पसंद नहीं किया, आई कैप ने इसको ज्यादा पसंद किया था इन मैनेज्ड इन दैट वे. यानी सीओ डीएम जिस तरह मैनेज करना चाह रहे हैं ना चीजों को, उस तरह आप देखें, ना कि आपकी जो चाहत है उसको सामने रखें. चाहत तो नहीं चलेगी ना, स्टैंडर्ड लगेगा. तो स्टैंडर्ड क्या कहते हैं, अपनी चाहत है या आप सीओ डीएम को रिपोर्ट करते हैं चीजें, तो वो फिर जिस तरीके से चीजें मैनेज हो रही हैं. और मैनेज होने के लिए आपको पता है मैंने कहा था सबके मैनेजर्स लगे होते हैं, तो सबके मैनेजर्स लगे होंगे. आपकी चाहत नहीं होगी, जिस जिसके मैनेजर लगे हुए हैं उसकी बुनियाद पर डिसीजन होगा. थोड़ा सा वेग सा था. हाँ इंटर सेगमेंट एक बात याद रखिएगा, मैंने आपको कल बता दिया था कि एक सेगमेंट है जो एक्सटर्नल सेल कर ही नहीं रहा और इंटर सेगमेंट सेल कर रहा है सिर्फ, उसको भी आप रिपोर्टेबल बना सकते हैं. ऐसी बात नहीं है. अब वो पूछ रहे हैं कि मैनेजमेंट चाहे तो बना दें या ओवरऑल डायरेक्टर्स उसको ऐसे मैनेज कर रहे हैं तो बनाएं. तो मैनेजमेंट की चाहत रहने दें. अ कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी दैट इज प्राइमरीली एसोसिएटेड टू अदर ऑपरेटिंग सेगमेंट्स ऑफ द एंटिटी इट मस्ट बी क्लासिफाइड. ये टेस्ट वो ऑपरेटिंग के लिए कह रहा है. इट इज इंक्लूडेड एज एन ऑपरेटिंग सेगमेंट इफ द एंटिटी इज मैनेज्ड. आप सही कह रहे हो, रिपोर्टेबल की नहीं कह रहा वो, ऑपरेटिंग सेगमेंट. ओके, ऑपरेटिंग सेगमेंट बनाने के लिए तीन शर्तें थी. नंबर वन रेवेन्यू और एक्सपेंसिस, नंबर टू सीओडीएम को रिपोर्ट करते हैं, नंबर थ्री डिस्क्रीट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो. तो इसमें मेरे ख्याल से सीओडीएम को रिपोर्ट करने वाली बात ही आ सकती है. अगला, ये तो निहायती अजीब से एमसीक्यू इसने बना दिया है, ये मैं एंड पर डिस्कस करूंगा. ऑपरेटिंग सेगमेंट्स ऑफ एन एंटिटी, यार ये तो छोटे छोटे सवाल हैं, पता नहीं प्रॉफिट्स को जमा करके देख लीजिएगा, लॉसेस को जमा करके देख लीजिएगा, ये आप कर लेंगे. ये वो एमसीक्यूज होते हैं जिनमें स्टैंडर्ड खोल के देखना पड़ता है. टू और मोर ऑपरेटिंग सेगमेंट मे बी एग्रीगेटेड, पैरा 12 था. कल इंशाल्लाह मैं आपसे कोशिश करता हूँ, वादा करूँ कल रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स के पैरा आपको हाईलाइट करवा दूंगा दोबारा स्टैंडर्ड खोल के. टू और मोर ऑपरेटिंग सेगमेंट मे बी एग्रीगेटेड इनटू अ सिंगल सेगमेंट इफ एग्रीगेशन इज कंसिस्टेंट विद द कोर प्रिंसिपल ऑफ IFRS 8 एंड द सेगमेंट्स हैव सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द सेगमेंट्स आर सिमिलर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ये हो गया पेज नंबर 435 है बुक का. नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, क्लास ऑफ क्लाइंट्स फॉर द प्रोडक्ट्स, क्लाइंट की जगह कस्टमर लिखा हुआ है. मेथड यूज टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट्स, इफ एप्लीकेबल द नेचर ऑफ रेगुलेटरी एनवायरमेंट. स्टाफ नंबर्स, तो ये स्टाफ नंबर इसने को अपनी तरह से चीज डालने की कोशिश की है एमसीक्यू को खराब करने के लिए. तो वो पूछना ये चाह रहे हैं कि कौन कौन से एग्रीगेशन क्राइटेरिया हैं. 1 to 5 डी ऑप्शन. अच्छा ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको नहीं दिया था, कल याद कराइएगा जरा. दूसरी क्लास में भी जो बच्चे चले गए उनको कहूंगा ये डिस्कशन जरूर अटेंड करें. एक स्टैंडर्ड में ना कॉन्सेप्ट है जो कि आईकैप ने अपनी किताब में नहीं डाला, सेगमेंट ए बी सी रिमेनिंग या ऑल अदर. ये मैं बना रहा हूं नोट 37 और टोटल इसमें प्रॉफिट. कुछ लोग ऐसा करते हैं कि इनके प्रॉफिट्स होते हैं 10 रुपये, 9 रुपये, 8 रुपये, 6 रुपये. कुछ लोग ऐसा करते हैं हेड ऑफिस के खर्चे पकड़ते हैं, हेड ऑफिस के खर्चे पकड़ते हैं और पकड़ के चारों में तकसीम कर देते हैं. हेड ऑफिस के खर्चे पकड़ के चारों में तकसीम कर देते हैं. कुछ लोग ऐसा करते हैं. स्टैंडर्ड में ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं क्योंकि आई के अपने किताब में नहीं डाला हुआ. इसकी स्टैंडर्ड इजाजत देता है. अगर सीओडीएम इजाजत दे दे आपको चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर कि हेड ऑफिस के खर्चे मुझे अलग से ना बताओ, हेड ऑफिस का जितना खर्चा आया इन सब में तकसीम कर दो किसी भी मुनासिब बेस पे, तो फिर इनके प्रॉफिट्स तो गिर जाएंगे. मिसाल के तौर पे इसका 9 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा, इसका गिर के बेचारे का 3 पे आ जाएगा. तो हेड ऑफिस के खर्चे आपने सब में क्या कर दिए, तकसीम कर दिए. जब आपने हेड ऑफिस के खर्चे तकसीम कर दिए तो ये जो टोटल की फिगर आएगी, क्या जब रिकॉन्सिल
में जाएगी तो हेड ऑफिस के खर्चे दोबारा डालने पड़ेंगे या हेड ऑफिस के खर्चे जो हैं वो आप नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे। अब जरा पढ़िएगा, हेड ऑफिस के खर्चे कैन बी एलोकेटेड टू सेगमेंट्स, मस्ट नॉट बी एलोकेटेड टू सेगमेंट्स, मस्ट बी एलोकेटेड टू सेगमेंट्स, मस्ट बी एलोकेटेड टू सेगमेंट्स बेस्ड ऑन कैन बी एलोकेटेड। हेड ऑफिस एक्सपेंसेस कैन बी एलोकेटेड, क्लास में बात पढ़ी नहीं थी हमने ये। वैसे नॉर्मली हम रिकनसाइलिंग आइटम में डालते हैं, एलोकेशन करते ही नहीं, लेकिन इजाजत है एलोकेशन करने की। IFRS 8 अप्लाइज टू, इसमें पहला सफा खोलना पड़ेगा ना, IFRS 8 अप्लाइज टू लिस्टेड कंपनीज, हाँ कोटेड, बिल्कुल ये बात तो ठीक है। IFRS 8 इज अप्लाइड टू एनी कंपनी रिपोर्टिंग अंडर IFRS, जो चाहे कि मैं ऐसा कर दूँ। IFRS नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं लिखी हुई थी। IFRS 8 अप्लाई टू ऑल कंपनीज अंडर IFRS, सारी कंपनीज पे लगता है, ये बात भी गलत है। तो फिर कौन सी बात सही है? पहली बात सही है, लिस्टेड और जो लिस्टिंग करवाने जा रही हों, लेकिन वो इसने लिखा ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, ये तो ऑपरेटिंग सेगमेंट की डेफिनेशन है ना, इसमें रेवेन्यू और खर्चे थे और CODM का जिक्र है, डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, चौथी चीज़ इसने अपनी तरफ से डाली है। ये कौन सा पैरा है ऑपरेटिंग सेगमेंट की डेफिनेशन? पैरा नंबर 5, गुड एक्सेलेंट, ये पैरा 5 था। ये तो अजीब सी, विच इज टैक्स सेपरेटली फ्रॉम अदर कंपोनेंट्स, ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं है। चलें छठा पढ़ लें, बी क्विक। ये जो है ना, ये उसने आईकैप ने अपनी तरफ से डाला है। इस MCQ के लिए स्टैंडर्ड का इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, और इसमें ऐसी चीज़ें भी उसने डाल दी हैं जो चीज़ें जो है वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, तो इसलिए मैं इसको कटवा दूँ तो भी कोई हर्ज नहीं। वैसे ही पढ़ लेते हैं, ऑपरेटिंग सेगमेंट इन्फॉर्मेशन शुड इंक्रीज द नंबर ऑफ रिपोर्टेड सेगमेंट्स एंड प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन। है ऐसा, ऑपरेटिंग सेगमेंट रिपोर्टेड सेगमेंट्स को बढ़ा के शो करते हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन बेहतर तरीके से देते हैं। ऑपरेटिंग सेगमेंट इन्फॉर्मेशन शुड इनेबल यूजर्स टू सी एन एंटिटी थ्रू आइज ऑफ मैनेजमेंट, बिल्कुल जिस तरह CODM देख रहा होता है उसी तरह आप जो है वो इसको देख रहे होते हैं। ऑपरेटिंग सेगमेंट इन्फॉर्मेशन शुड इनेबल एन एंटिटी टू प्रोवाइड टाइमली सेगमेंट इन्फॉर्मेशन फॉर एक्सटर्नल इंटरिम रिपोर्टिंग विद रिलेटिवली लो इंक्रीमेंटल कॉस्ट। एक्सटर्नल इंटरिम रिपोर्टिंग ये होती है कि बाहर की कोई भी कंपनी या बाहर का कोई भी बंदा आपसे कह दे, आप जरा अपनी रिपोर्ट्स मुझे दिखा दें, आप कर क्या रहे हैं, तो वो चली चलाई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, तो वो उनको हम ऐसे ही दिखा देते हैं। तो IFRS 8 हमें कहीं और भी हेल्प कर जाता है, बैंक लोन वगैरह लेने में या कोई भी एक्सटर्नल रिपोर्ट अगर बनानी हो तो IFRS 8 हमें हेल्प कर जाता है, डेटा तैयार होते लोगों को दिखा देते हैं। IFRS 8 इनहेंसेस कंसिस्टेंसी विद द मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस और अदर एनुअल रिपोर्ट्स डिस्क्लोजर्स, ये तो सबसे बड़ी बात है, इन्हेंसमेंट रिकॉन्सिलिएशंस के जरिए हो जाती हैं। मैनेजमेंट डिस्कशंस और एनालिसिस को एनुअल रिपोर्ट से मैच कराया जाता है थ्रू प्रिपेयरिंग रिकॉन्सिलिएशन। IFRS 8 प्रोवाइड वेरियस मेजर्स ऑफ सेगमेंट परफॉर्मेंस, बिल्कुल वेरियस मेजर्स देता है सेगमेंट परफॉर्मेंस की। PBT भी दिखा सकते हैं आप रिकॉन्सिलिएशन में, उनका मैंने दिखाया था, PAT भी दिखाया हुआ था आपने, GP भी कुछ लोग दिखा देते हैं, तो डिफरेंट मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस दे देते हैं। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट रिड्यूस स्टाफ, IFRS 8 बताते हैं कितने एम्प्लॉयज़ को नौकरी से निकाल दिया है। ये तो कोई इसने जैसे अजीब सी चीज़ मांगी है, तो अब ये अजीब सा एक MCQ था, ओवर करो यार।